हर परिस्थिति में पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा की जीत होगी। पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। एक तरफ जहां 2024 चुनाव को लेकर के पूरे राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं अब जो है पप्पू यादव 2024 के भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार जो है इंडिया गठबंधन जब बना तब भी लगातार पप्पू यादव बोलते रहे कि हमको मौका दिया जाए, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में हिस्सा बने। लेकिन उस इंडिया गठबंधन को मजबूती से खड़ा करने वाले नीतीश कुमार ने ही टाटा बाय बाय कह दिया, क्योंकि उस समय जो इंडिया गठबंधन में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है सीट का बंटवारा हो जाए, लेकिन कांग्रेस यानी कांग्रेस को बताया गया कि कांग्रेस लेट कर रही है, इस वजह से जो है इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये चर्चा चलती रही कि नीतीश कुमार अब केंद्र में जाने वाले हैं इंडिया गठबंधन के सहारे, वहीं तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली की गद्दी सौंपा जाए और तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द यानी बिहार की सत्ता सौंपा जाए, लेकिन दोनों लोगों का सपना जो है टूट गया और नीतीश कुमार न दिल्ली जा पाए न तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी पर पहुँच पाए और दोनों लोगों की राह जुदा हो गई। और फिर से पप्पू यादव जो लगातार इंडिया गठबंधन की बात करते रहे, इंडिया में तो शामिल नहीं हुए लेकिन वो कांग्रेस में जा करके अपनी पार्टी का विलय कर लिया। और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी कहा जा रहा कि लालू प्रसाद यादव का भी सपना टूटा कि वो तेजस्वी यादव को चाहते थे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की वजह से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब एनडीए का हिस्सा हो गए। तो लालू प्रसाद यादव नाराज़ थे और इसी वजह से जो है लालू प्रसाद यादव धनाधन जो है टिकट बांट रहे थे बिना सहमति के ही, यानी इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल के बिना सहमति के ही लालू प्रसाद यादव टिकट बांट रहे थे। और टिकट ही नहीं बांटे, तमाम जो सीट मिला है यानी आरजेडी को जो सीट मिला है, कांग्रेस को सीट मिला है, कई ऐसे सीट है, इससे साफ साफ संकेत भी मिला है कि लालू प्रसाद यादव ने जो सीट दिया है, कांग्रेस को जो सीट मिला है उसके मन के मुताबिक नहीं है। लालू प्रसाद यादव नाराज़ थे क्योंकि नीतीश कुमार जो हो देरी की वजह से एनडीए में चले गए थे इसी वजह से। और वहीं पप्पू यादव कांग्रेस और आरजेडी की नाराजगी के बीच में अब फंस गए। फंस इसलिए गए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस का दामन जैसे ही थामा तो पूर्णिया प्रणाम पहले से कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ से जो है आरजेडी की बीमा भारती चुनाव लड़े, क्योंकि वही बीमा भारती जब कहा गया कि फ्लोर टेस्ट होगा तो बीमा भारती कहा गया कि अब आरजेडी में जा रही है, लेकिन किन्हीं वजह से बीमा भारती जदयू में रह गई। लेकिन अंततः जो है यानी नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद भी बीमा भारती जो है आरजेडी का दामन थाम ली, अब उनको पूर्णिया से प्रत्याशी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं यानी कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के बीच जो है आंतरिक यानी दूरी की वजह से जो है पप्पू यादव पूरी तरीके से अब 24 के भंवर में फंस गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है, वहीं बीमा भारती कांग्रेस आरजेडी की और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, तो आखिर में 24 के भंवर से यानी 2024 का जो चुनावी समर है उसमें पप्पू यादव जो कैसे पास होते हैं, पूर्णिया में लगातार कह रहे कि कांग्रेस का झंडा गाड़ेंगे, वहाँ से कैसे यानी अपना जो राजनीतिक रसूख है कैसे पप्पू यादव बचाते हैं।